The bench disagreed with the roadmap and said that ₹1,000 crore piecemeal deposit would not work and the period of 1.5 year is a very long period. मैं 18 महीने के लिए अब मैं आपको वक्त नहीं दे सकता हूं. We do not agree with your 1.5 year period roadmap. It's been over 10 years and nothing has moved. You have to deposit ₹1,000 crore within 15 days and come up with a joint venture within this period, or we will be appointing a court receiver for taking over the land and putting them on block. अगर आपने ये नहीं किया तो मैं कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर देगा उस लैंड के ऊपर और फिर किसी एक ब्लॉक को दे करके इसको बेचने की कार्रवाई करे. सीधा सीधा इसका लबुल वाब यह है कि उस लैंड को कोर्ट ले लेगी अपने कब्जे में और रिसीवर अपॉइंट करके दे करके कहेगी इसको आप कीजिए. सीनियर एडवोकेट अरविंद दतार अपीयरिंग फॉर सेबी सेड सील्ड कवर वॉज डिपॉजिटेड बाई सहारा ग्रुप अर्लियर इन द कोर्ट इन विच इट हैज गिवन ए लिस्ट ऑफ 32 प्रॉपर्टीज. If things do not work out at Warsowa and Embi Valley, then the court may think of opening the sealed cover and selling those 32 properties, he said. अब ये जो सीनियर एडवोकेट हैं अरविंद दतार जो कि सेबी की तरफ से अपियर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि 32 प्रॉपर्टीज के लिस्ट सहारा ने सेबी को दिए हैं और अगर ये वारसोवा वाले लैंड पर आपका कोई काम नहीं हो पाता है और 1,000 करोड़ रुपया आप जमा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो 32 प्रॉपर्टीज का जो लिस्ट आपने दिया है उस सील्ड कवर को हम खोलेंगे और फिर उसके भी ऑक्शन के लिए हम जाएंगे. अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, अब आप देखिए ज्वाइंट वेंचर और कंप्लायंस के लिए देखिए क्या है. द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस संजीव खन्ना एम एम सुंदरेश एंड बेला एम त्रिवेदी स्टेटेड दैट इफ द ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इज नॉट filled within 15 days, then the court will sell the Warsowa land on an as is where is. जिस हालत में लैंड है उसी हालत में अगर आपने 15 दिन के अंदर ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट नहीं देते हैं, जो आप कह रहे हैं कि साहब हमको 18 महीने का वक्त चाहिए और उसमें हम ज्वाइंट वेंचर करके उसको लैंड को हम डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद जो भी हमारा वैल्यूएशन है वो मार्केट वैल्यू पर आएगा और उसमें इतने पैसे आएंगे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप 15 दिन के अंदर में ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट नहीं देते हैं तो जिस हालत में लैंड है वारसोवा का उसी हालत में हम उसको बेच देंगे और बेचेंगे. अब एस्क्रो अकाउंट एंड फ्यूचर हियरिंग्स के लिए क्या कहा. द कोर्ट स्पेसिफाइड दैट ₹1,000 करोड़ डिपॉजिटेड बाय थर्ड पार्टी विल रिमेन इन एस्क्रो अकाउंट. जो सहारा सेबी का जो एस्क्रो अकाउंट है उसी में 1,000 करोड़ रुपया आपको जमा करना पड़ेगा. इफ द ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कोर्ट दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द थर्ड पार्टी. अब देखिए सहारा सेबी और कोर्ट नहीं, जो तीसरी पार्टी जो ज्वाइंट वेंचर के लिए आ रही है वो अगर मान लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए देती है और किसी कारण से कोर्ट ने किसी कारणवश कोर्ट का परमिशन नहीं मिलता है उसको डेवलप करने के लिए या कोई भी दिक्कत होती है तो वैसी स्थिति में 1,000 करोड़ रुपए जो सहारा सेबी के स्क्रू अकाउंट में है उसको वापस कर दिया जाएगा. अब जो तीसरा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो परमिटेड सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन टू इंटर इनटू जॉइंट वेंचर्स फॉर डेवलपिंग अदर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मुंबई एमबी वैली प्रोजेक्ट. हाउएवर दीज एग्रीमेंट्स रिक्वायर कोर्ट अप्रूवल बिफोर प्रोसीडिंग्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके निवेशकों को जानने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन है उनको और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन उनको अभी तक शायद उनको शायद किसी भी तरह के एग्रीमेंट में जाने की परमिशन नहीं था. इन दोनों कंपनी को कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप ज्वाइंट वेंचर में जा सकते हैं. कंपनी एज ए कंपनी एंटिटी यू कैन एंटर इंटू एनी काइंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर विथ एनीबडी. ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मामला है. ये जो रिलीफ है ये बहुत ही शानदार रिलीफ है एक प्रकार से सहारा के लिए और निवेशकों के लिए भी रिलीफ है.
The bench clarified that any money from property sales by Sahara must go into SEBI Sahara refund account. Sales transactions should be above or up to 10% below the circle rate. Otherwise, prior court permission is needed. Senior advocate Kapil Sibbal representing Sahara was told that bench, you are in deep trouble. ये तो हम आपको बता चुके हैं. अब आते हैं कि आदेश को हमने आपको समझा दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मोटे तौर पर, कि ये आदेश है क्या, कि अगर आपको आपने 15 दिन के अंदर में ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट नहीं पेश किया, या थर्ड पार्टी जो पैसा मान लीजिए जमा करती है और कोर्ट का किसी कारणवश उसमें कोई झंझट हो जाता है, तो वो 1000 करोड़ रुपया जो सहारा से भी अकाउंट स्क्रू अकाउंट में जमा रहेगा उसको वापस कर दिया जाएगा. और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर वो जमीन जो बारसोवा, मुंबई बारसोवा की जो जमीन सहारा का एक्विजिशन में चला जाएगा और कोर्ट के पास जो है वो कोर्ट अपना रिसीवर अपॉइंट करेगी और उसको सेल करेगी मार्केट में. तीसरी बात उन्होंने कही जो सेबी के वकील ने कहा कि हमारे पास सहारा ने पहले ही 32 प्रॉपर्टीज के लिस्ट सील्ड लिफाफा में एनवलप में हमें दिया हुआ है. उस एनवलप को हम खोलेंगे और जो भी 32 प्रॉपर्टीज होगी उसका हम ई ऑक्शन शुरू कर देंगे जो अभी तक सील्ड इसमें एनवलप में पड़ा हुआ है उसको हम खोलेंगे. कुल मिलाकर के ये जीत निवेशकों की है जो कल बात कह रहे थे. लेकिन सहारा की भी दलील को कोर्ट ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक, एक सिंपैथेटिकली उन्होंने इस पूरे दलील को, सहारा की दलील को सुना और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, यू आर इन डीप ट्रबल, आप बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं और आप घिर सकते हैं. अगर मैंने इसको दूसरे तरीके से किया तो मैं आपको अभी भी एक लंबा रोप दे रहा हूं, रास्ता दे रहा हूं, आप उस रास्ते पर चल करके कुछ काम कर दीजिए, तभी कुछ रिलीफ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है. अब सहारा की तरफ से जो कल आया था बयान, बहुत सारे लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए, जितने लोग हैं जुड़े हुए उनको ले सकते हैं आप वन बाय वन. आज न्यूटन मंडल से शुरू करते हैं. न्यूटन जी बोलिए, ये जो निर्णय आया है इससे क्या निवेशक बंधु बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, और एजेंट बंधु भी प्रसन्न हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नमस्ते नमस्ते. और जो हमारा अभी तक जो 202 साथी आया था उनका भी नमन मंधन, जो साथी चैट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी. देखिए सर, आपका तो हर दिन जो कब शुरू होगा, लोग पूछ रहे हैं, देखिए श्याम पाल पूछ रहे हैं पैसा कब मिलेगा सर. पैसा तो सर कल जो आप तो बोला था, जो हमारा और एक साथी शुभम, सॉरी, जो हमारा कन्हैया जी तो बात रखा था कल एकदम जबरदस्त है. आज जो आप जो रिपोर्ट पढ़ रहा है, हम कल सुप्रीम कोर्ट साइड में 3.5 घंटा तक हम सुना था, एकदम लास्ट तक सुना था. एक एक चीज लेके जो हमारा साथी बात कर रहा है पहले से, जाने और ना जाने जो बात बोला था, एक पीड़ा के आधार में बोला था, ये सही बात है. लेकिन काल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कपिल सिब्बल जी और खान साहब, जो हमारा जस्टिस जो सुना था ना, बहुत धर्मपूर्वक क्या बोलता है, हम बोलने का ये नहीं, जो अच्छा तरीके सुना था जस्टिस, एक एक चीज लेके बात हुआ था, एक एक चीज लेके, जो एजेंट है, वो डिपोजिटर है, सब चीज लेके लगातार कपिल सिब्बल साहब रखा था और हंसी मुख के वो हमारा खान साहब सुना था, जो एक एक चीज लेके. तो ये तो कल तो एक निर्णय चला ही आया, जो डिपोजिटर
एजेंट सब सेव है, सब लोग सेव है, लेकिन जो बात जो अभी जो उठ रहा है जो पैसा कब मिलेगा, पैसा तो जरूर मिलेगा। पहले जो स्टे ऑर्डर था जो पैसा हम व्यवहारिक कंपनी का व्यवहारिक रूप से हम नहीं कर पाया, लेकिन कल जो ऑर्डर शीट जब टाइपिंग किया था वो टाइम में हम लाइव में देखा था एक एक चीज लेके। आज जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार स्क्रू अकाउंट जाने के बाद जो पैसा बचा हुआ पैसा, वो पैसा भी कंपनी यूज कर सकता है, लेकिन पहले जो बात था वो व्यवहार नहीं कर पाया, यही ऑर्डर था।